चलो ठीक है, आपके स्क्रीन पर लेसन नंबर 4 नेम इज थर्मोडायनेमिक्स, ये लेसन थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन कोरोना की वजह से जो अपना 25% सिलेबस रिड्यूस हो गया, उसमें इसमें का भी बहुत सारा पार्ट रिड्यूस हो गया है, तो इजी है ये लेसन में। मैंने नोट्स मेरे हाथ से आपके लिए बनाए हुए खास इजी लैंग्वेज में, क्योंकि ये पूरा थियोरेटिकल लेसन है थेरी के पार से, इसलिए सब इम्पोर्टेंट पॉइंट डेफिनेशन अलग से लेके नोट्स बनाए हुए हैं। ये नोट्स मैंने आपको सेंड किया हुआ है, ये नोट्स आप अपने क्लास नोटबुक में पूरा कंप्लीटली जैसा मिले पीडीएफ फाइल वैसा कॉपी कर लो। चलो थर्मोडायनेमिक्स, ओके, थर्मोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ हीट and temperature and the internal conversion of heat and other forms of energy. ये simple thermodynamics की definition है जो आपको समझने के लिए exam में अभी तक तो नहीं आई, exam में नहीं आती, लेकिन देखो therm means something regarding temperature, therm मतलब heat और temperature से related कोई चीज, therm, okay, जैसा नासिक रोड के आगे थोड़ा जाते वहां एक गांव है जिसका नाम है एक लहरा, दूर से आप देखेंगे तो ऐसे धुआं निकलता हुआ नजर आता अपने को, वहां क्या है थर्मल पावर प्लांट, वहां एक लहरा में है थर्मल पावर प्लांट, मतलब वहां क्या होता कोयला जलाते, कोयला जला के हीट जनरेट करते और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती, तो वहां जो हीट जनरेट हो रही इसलिए उसका नाम है थर्मल पावर प्लांट। बोलने के क्या कहने का मतलब, थर्मल थर्म मीन्स समथिंग रिलेटेड विद हीट और टेम्परेचर, एंड सेकंड थिंग डायनेमिक, दो अपोजिट वर्ड, एक स्टैटिक एक डायनेमिक, स्टैटिक मतलब कांस्टेंट, स्टैटिक मीन्स एक जगह रुका हुआ कांस्टेंट, डायनेमिक मतलब चेंज हो रहा है, जैसे कभी कभी किसी के बारे में बोलते हैं उसकी पर्सनैलिटी बहुत डायनेमिक है, जहां गया वहां एडजस्ट हो जाता, जहां जाएगा वैसी बात करता, डायनेमिक मतलब चेंज हो रहा है। थर्मोडायनेमिक्स मींस टेम्परेचर और हीट चेंज हो रही है, उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस है, क्या क्या इफेक्ट है, वो ये लेसन में अपने को देखने के। थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद कंसेप्ट ऑफ हीट, हीट और टेम्परेचर के कंसेप्ट, एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्मल इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम ये टर्म से आप बहुत बार देखे आपने ये टर्म, दैट इज इक्विलिब्रियम, क्या रहता है किसको पता है इक्विलिब्रियम, देखो थर्मल इक्विलिब्रियम देखते हीट इज ट्रांसफर्ड, लेट कमर्स बहुत परेशान कर रहे हैं, देखो हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, जैसा वाटर जो रूल फॉलो करता, वाटर कीप्स इट्स लेवल, मतलब वाटर कहां से कहां फ्लो होता, हायर लेवल से लोअर लेवल पर, घर के ऊपर पानी की टाकी है हायर लेवल पर, वहां से अपने घर में किचन बाथरूम में पानी आ रहा, वाटर फ्लोस फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, इन द सिमिलर मैनर हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अब देखो फिर से सेम एग्जांपल लेता, एक कप में चाय रखी हुई गर्म चाय, ये कप ऑफ टी आप टेबल पे रख दो, टी का टेम्परेचर है सपोज 100, कुछ देर के बाद 10 15 20 मिनट के बाद वो ठंडा होते 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 रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री पर, तो क्या हुआ हीट हायर बॉडी से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रेवल हुई। अब क्या हो गया, चाय का टेम्परेचर और रूम का टेम्परेचर सेम हो गया,
जब टेम्परेचर सेम हो गया तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी. तो व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर एट द सेम टेम्परेचर दे आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम. जब दो ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर पर रहते तो उसको क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम में उनके टेम्परेचर सेम. ओके, उसके बाद एक लॉ देखने का अपने को, थर्मोडायनेमिक्स में तीन लॉज है. थर्मोडायनेमिक्स में कितने लॉ है, तीन लॉ. तो तीन लॉ को फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऐसा नाम नहीं दिया हुआ है. कैसा दिया हुआ है, पहले जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ, देन फर्स्ट लॉ एंड देन सेकंड लॉ. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एग्जाम में एक मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट आएगा, स्टेट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो आपको लिखने आना चाहिए, बिल्कुल इजी है. देखो क्या है, पहले मैं बताता. देखो तीन बॉडीज है, बॉडी ए, बॉडी बी और बॉडी सी. तीन बॉडी रखे हुए. अब ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है. इसमें से टेम्परेचर तीनों में से एक दूसरे में जा रहा है, लेकिन जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो गया यू कैन से दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम. देखो अब एरो से बताए, ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम. सिमिलरली ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम. अगर देखो इफ टू सिस्टम्स आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए थर्ड सिस्टम दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर. वन इसको नाम देता, वन टू थ्री. एक मिनट रुको, यहाँ कोई पेरेंट बहुत बात कर रहे हैं, उनको निकाल के आता. ओके, वेलकम बैक. चलो इधर ध्यान दो, ये आपके सामने डायग्राम दिख रही है. ए बी सी ऐसे तीन बॉडीज है. देखो बी को मैं लिखा वन, सी को लिखा टू, ए को लिखा थ्री. अब टू और थ्री मतलब ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में. सिमिलरली ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में, ए सी भी है और ए बी भी है. अगर ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, वन एंड थ्री, और थ्री और टू भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है अगर, तो वन एंड टू दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम. दिस इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इफ टू सिस्टम्स आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड सिस्टम then they are also in thermal equilibrium with each other. समझ रहा, और एक बार सुनो, AC thermal equilibrium में है और AB thermal equilibrium में है अगर, तो BC भी thermal equilibrium में रहेंगे. सिंपल कम्यूटेटिव लॉ, जैसा मैथ्स में है वैसा ये लॉ है. तो ये आपको लिखने का है, एग्जाम में पूछेंगे तो एग्जाम में एक मार्क के लिए आ सकता. सिंपल है, इफ टू सिस्टम्स आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम देन दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. दिस यू कैन राइट. नेक्स्ट डेफिनेशन या तो नेक्स्ट पॉइंट अपने को देखना है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी. क्या नाम है उसका, इंटरनल एनर्जी. देखो अब इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सिस्टम. अब यहाँ एक छोटी सी डायग्राम बनाता मैं, थर्मोडायनेमिक में ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, हर एक्सप्लेनेशन ये डायग्राम से आएगा. देखो एक ऐसा, दिस इज कॉल्ड
कंटेनर ऑफ गैस, गैस सिलेंडर फॉर एग्जांपल ऐसा बना हुआ है, इसको एक पिस्टन लगा हुआ है, ये डबल वॉल्ड है, फॉर एग्जांपल डबल वॉल्ड गैस कंटेनर हैविंग ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन, और यहां पर ये पिस्टन है। अब इसमें गैस भरा हुआ है, ये एग्जांपल याद रखो, दिस इज कॉल्ड एस गैस सिलेंडर हैविंग गैस। गैस में क्या क्या रहता है, लास्ट टाइम बताया था मैंने, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तीन चीजें, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सच ए गैस इज एनक्लोज्ड इन दिस सिलेंडर विच इज हैविंग ए पिस्टन, फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं आप। अब ये गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, थर्ड लेसन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैस कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉट एट रेस्ट, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में ये मॉलिक्यूल्स मूव रहे, इसको बोलते हैं रैंडम मोशन। रैंडम मतलब कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, रैंडम मोशन है। तो ये रैंडम मोशन की वजह से इसमें एनर्जी रहती गैस में, एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। एग्जाम आएगा व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, हाउ कैन यू चेंज दैट इंटरनल एनर्जी, what is internal energy, internal energy is defined as energy associated with the random motion of the molecules of a system. Now see, internal energy of a system can be changed in two ways, internal energy do tarike se change kar sakte, first by heating the system, matlab इसको डायरेक्ट गैस बर्नर पर इसको जब हीट करेंगे आप, इसमें गैस मॉलिक्यूल क्या करेंगे, हीट एब्जॉर्ब करेंगे और उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी कैन बी चेंज्ड इन टू वेज, फर्स्ट इज बाय हीटिंग द सिस्टम, सिस्टम को डायरेक्ट हीट सप्लाई करो। दूसरा कैसा चेंज कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी, बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, मतलब सिंपल ये पिस्टन को नीचे की तरफ प्रेस करो, जब प्रेस करेंगे तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। देखो दो चीजें, ये गैस अगर एक्सपांड हो गया तो पिस्टन ऊपर की तरफ आएगा, गैस कंप्रेस हो गया तो पिस्टन नीचे की तरफ आएगा। जब पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है तो वर्क इज डन ऑन द गैस, सुनो गैस के ऊपर वर्क डन हुआ, मतलब इसको प्रेस किए मतलब पिस्टन नीचे आया। व्हेन दिस पिस्टन मूव्स वर्क इज डन ऑन द गैस, एंड व्हेन दिस पिस्टन मूव्स अपवर्ड यू कैन से वर्क इज डन बाय द गैस। ऑन और बाय में क्या डिफरेंस है, वर्क अगर गैस ने किया मतलब गैस एक्सपांड हुआ, पिस्टन ऊपर की तरफ आएगा, वर्क इज डन बाय द गैस। तो आगे और आने वाले अपने को इंटरनल एनर्जी कैसा बढ़ेगी, बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, मतलब ये पिस्टन आप प्रेस करेंगे गैस कंप्रेस होगा, तो गैस जब कंप्रेस होगा ये कम एरिया में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे तो क्या होगा, उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा। ओके, दो तरीके से इंटरनल एनर्जी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक सिस्टम, नेक्स्ट डेफिनेशन है अपना थर्मोडायनेमिक सिस्टम, क्या रहता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, देखो मैं पढ़ता, ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कैन फॉर्म ए यूनिट विच मे हैव एबिलिटी टू एक्सचेंज हीट विथ इट्स सराउंडिंग। ये आपके सामने जो डायग्राम बनाया मैंने, दिस डायग्राम इज ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ये डायग्राम क्या है, सिंपल एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, मतलब एक गैस का सिलेंडर लिए एम्प्टी, उसमें एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, फिर उसमें गैस भर दिए,
ये गैस ये पूरा बन गया सिस्टम, दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम ये गैस है, इसके सराउंडिंग में हीट पास कर सकती। गैस को आपने कंप्रेस किए, उसकी हीट बढ़ जाएगी, हीट दियोर में से बाहर पास होंगी। सो इट हैव एबिलिटी टू एक्सचेंज हीट विथ इट्स सराउंडिंग। थर्मोडायनेमिक सिस्टम का एग्जाम्पल, ए गैस एनक्लोज्ड इनसाइड ए सिलेंडर हैविंग ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन, दिस वन। ये गैस क्या बन गया, ये है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम के तीन टाइप्स हैं, तीनों का एग्जाम्पल बताता मैं आपको समझ में आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ हीट एंड मैटर टू एनवायरमेंट, थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। थर्मोडायनेमिक सिस्टम के तीन टाइप, सिंपल। एक बीकर में पानी लो, बीकर में पानी लो और गैस बर्नर पर बीकर को हीट करो। जब बीकर को गैस से हीट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, वाटर बॉईल होने लगेगा और बॉईल होके वेपर्स बाहर निकलेंगे, वाटर वेपर्स। ये वेपर्स बाहर निकलेंगे, उसके साथ हीट भी बाहर निकलेंगे सराउंडिंग से। ठीक है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम में आपको दो चीजें समझ में आई, ये है सिस्टम और उसके अलावा बाहर जितने भी चीजें उसको बोलते हैं सराउंडिंग। बाहर जितने भी चीजें वो या तो उसको बोलेंगे एनवायरमेंट या उसको बोलेंगे सराउंडिंग। तो दो चीजें याद रखो, सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग। सो फर्स्ट सिस्टम, तीन टाइप के सिस्टम है। फर्स्ट सिस्टम आपको बताया, बीकर है, उसमें पानी बॉयल हो रहा है, फिर उसके वेपर्स बाहर निकलेंगे, हीट बाहर निकलेगी। अब हीट सराउंडिंग से एक्सचेंज हो रही है, बाहर निकल रही है, वैसा ही ये वेपर्स मतलब क्या है, वाटर वेपर्स है, मतलब ये जो मैटर है ये भी सराउंडिंग में जा रहा है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें दोनों चीजें एक्सचेंज हो रही है, दोनों मतलब क्या, हीट एज वेल एज मैटर। हीट भी बाहर जा रही है यहां से और मैटर भी बाहर जा रहा है, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, इट फ्रीली अलाउज एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मैटर विद इट्स एनवायरमेंट। ओपन सिस्टम फ्रीली अलाउज एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मैटर विद इट्स सराउंडिंग। हीट भी बाहर जा रही है और मैटर भी बाहर जा रहा है, दैट इज ओपन सिस्टम। दूसरा क्लोज सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल बॉयलर, जैसा शुगर फैक्ट्री में बॉयलर रहता, जैसे बड़े बड़े बॉयलर्स रहते हैं, पूरी तरह से बंद रहते हो, उसके अंदर वाटर रहता और उसको बड़े गैस पे बॉईल करते बर्नर पे, इसको बोलते हैं बॉयलर। जब ये बॉईल होगा, अंदर का वाटर जब बॉईल होगा, वाटर वेपर्स इसमें से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि ये चारों तरफ से पैक है, लेकिन हीट बाहर निकल सकती, मतलब पानी गर्म होगा, इसके वॉल्स गर्म होंगे, वो गर्म वो हीट जो है सराउंडिंग के एयर में ट्रांसफर हो सकती। तो ऐसा सिस्टम जिसमें हीट जा रही है लेकिन मैटर बाहर नहीं जा रहा, उसको बोलेंगे दैट इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। इट डज नॉट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मैटर बट अलाउज द हीट टू बी ट्रांसफर। क्लोज सिस्टम डज नॉट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मैटर बट अलाउज हीट टू बी ट्रांसफर। क्लोज सिस्टम एक हो गया ओपन, जिसमें मैटर और हीट दोनों जा रहे हैं, दूसरा हो गया क्लोज, जिसमें हीट जा रही लेकिन मैटर नहीं जा रहा, तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम में सिंपल एग्जाम्पल देता मैं आपको, आपके पास रहता थर्मास फ्लास्क, चाय ले जाने के लिए पेशेंट को दवा खाने में चाय ले जाने के लिए थर्मास यूज करते, थर्मास में आप गरम चाय डाल देते,
जब गरम चाय डालते हैं तो 3 4 5 घंटे के बाद भी अगर खोलेंगे तो वो चाय जैसी की वैसी गरम रहती है, हीट उसमें से बाहर ट्रांसफर नहीं होती सराउंडिंग में। वैसा ही चाय की जो भाप निकल रही है, टी वेपर्स, वाटर वेपर्स भी उसमें से बाहर नहीं निकल सकते। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इट डज नॉट अलाउ एक्सचेंज ऑफ मैटर एज वेल एज हीट विद द एनवायरमेंट और सराउंडिंग। तो आइसोलेट सिस्टम में से मैटर भी नहीं निकलता बाहर और हीट भी नहीं निकलता। ऐसे थर्मोडायनेमिक सिस्टम के 3 टाइप्स आप याद करो, इजी सिस्टम के 3 टाइप, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, ऐसा इजी लेसन है, इजी पॉइंट्स आपके लिए अलग से दिखा रहे। नेक्स्ट, और एक सबसे आसान डेफिनेशन हीट। हीट कैपिटल क्यू। हीट की डेफिनेशन तो कोई भी बोलेगा, देखो हीट इज द टाइप ऑफ एनर्जी। सबसे पहले हीट क्या है? एनर्जी है दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दिस टू। अभी आपको जो एग्जांपल बताया मैंने, ये जो गैस कंटेनर है जिसको एक पिस्टन लगा हुआ है जिसमें गैस भरा हुआ है, राइट, ये पिस्टन को प्रेस करो, पिस्टन नीचे आ जाएगा, गैस कंप्रेस हो जाएगा, गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा और हीट बाहर की तरफ फ्लो होगी सराउंडिंग। तो ये जो चीज बाहर फ्लो हो रही है, जो एनर्जी बाहर फ्लो हो रही है, दैट इज नथिंग बट हीट। सो यू कैन से हीट इज द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट। क्यों ट्रांसफर हो रही? क्योंकि उनमें टेम्परेचर डिफरेंस है। अगर अंदर का टेम्परेचर 30 डिग्री और बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री रहेगा तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी। जैसा कप ऑफ टी रखा हुआ है टेबल पे, चाय का टेम्परेचर है 80 और बाहर रूम टेम्परेचर है 30, तो हीट ट्रांसफर होगी। लेकिन जब दोनों का टेम्परेचर 30 30 हो जाएगा, हीट ट्रांसफर नहीं होगी। तो हीट की डेफिनेशन अगर एग्जाम में आती है तो यू कैन राइट हीट इज द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम एंड एनवायरमेंट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दिस टू। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में 3 लॉ है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये अपने को देखने का है, क्या है? देखो ये लॉ में क्या मिल रहा है, मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन हीट एंड वर्क। अब ये एक और इंटरेस्टिंग चीज, दो फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने राउंड कर रहा मैं, एक है हीट दूसरा है वर्क, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। हीट और वर्क दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठंडी के दिनों में, सर्दी के दिनों में आपको सर्दी लगती है, दोनों हाथ के पंजे आप एक दूसरे पे घसते, जब दोनों पंजे एक दूसरे पे घसते, यू आर डूइंग वर्क, वर्क कर रहे हो। तो वर्क की वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होती, बॉडी को थोड़ा गर्म लगता, तलवे पैर पंजे क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। व्हेन यू रब योर पाम्स हीट इज जनरेटेड, मीन्स हीट एंड वर्क आर इंटरकनेक्टेड। और एक एग्जांपल, ट्रेन चलती है, पहले के जमाने में कौन से इंजन चलते थे, कोयले पे चलने वाले रेलवे इंजन, उसमें ड्राइवर क्या करता था, ट्रेन का कोयला डालता था कंटिन्यूअस और आग जलती थी, तो कोयला डाल रहा, आग जल रही, उससे ट्रेन आगे आगे जाती थी, तो हीट जनरेट हो रही उससे ट्रेन के पहिए घूम रहे, दैट इज वर्क, व्हील्स मूव हो रहे ड्यू टू इट। हीट एंड वर्क आर रिलेटेड विथ इच अदर। दोनों में क्या रिलेशन है वो अपने को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मिल रहा है। देखो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इज डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ओके, अब देखो 3 चीजें लिखी है, Q, दूसरी चीज डेल्टा यू, तीसरी चीज डब्ल्यू।
where Q is heat supply to the system. For example, ये गैस सिलेंडर की सिस्टम है, इसको हीट सप्लाई कर रहे, हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज Q, यहां से उसको हीट दे रहे, Q इतनी हीट मिली। दूसरी चीज लिखी हुई है डेल्टा U, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही, कितना डेल्टा U, ये जो गैस है इसको हीट दे रहे, गैस क्या करेगा हीट एब्जॉर्ब करेगा, उसके मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, कितना बड़ी डेल्टा यू। प्लस तीसरी चीज है डब्ल्यू, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, तीसरी चीज क्या है गैस ने रिकॉर्डिंग हो रहा है, गैस हैज वर्क, गैस हैज डन वर्क ऑन द सराउंडिंग्स। ओके थर्ड थिंग, वापिस से ये समझने के लिए आपको वापिस में ये डायग्राम बना था, देखो दिस इज द सिस्टम, यही बना था गैस कंटेनर, इसमें पिस्टन है लगा हुआ, इसमें गैस है, वो गैस को बर्नर पर हीट कर रहे, देखो ध्यान से गैस को बर्नर पर हीट कर रहे, बर्नर से गैस को हीट मिली क्यू, हीट सप्लाई टू द गैस इज कैपिटल क्यू, ये हीट दो जगह यूज होंगी, ये हीट गैस दो जगह यूज करेगा, पहले तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब ये मॉलिक्यूल्स हीट एब्जॉर्ब करेंगे और उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इसको डिनोट करेंगे अपन डेल्टा यू, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। दूसरी चीज, इंटरनल एनर्जी बढ़ने के बाद जो हीट बचेंगी वो हीट की वजह से गैस एक्सपांड होगा, ध्यान से सुनो, गैस एक्सपांड होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो गैस क्या करेगा ये पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेलेगा, इसे पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेलेगा, पिस्टन ऊपर आ जाएगा, थोड़ा गैस एक्सपांड हो गया, मतलब क्या हुआ वर्क इज डन बाय द गैस, गैस ने वर्क डन किया, काय पे किया सराउंडिंग पे, गैस एक्सपांड हुआ मतलब वर्क इज डन बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग्स। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज यूटिलाइज फॉर टू पर्पजेस, फर्स्ट इंक्रीज इज इंटरनल एनर्जी एंड सेकंड वर्क डन बाय द गैस और वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग्स। ओके तो अब ये अपने को स्टेटमेंट में लिखने का है, ये स्टेटमेंट को और मैथमेटिकल स्टेप को आपको एग्जाम में दो मार्क आएंगे, आप जो थ्योरेटिकल जो लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत इजी है, देखो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, व्हेन अमाउंट ऑफ हीट कैपिटल क्यू इज एडेड टू ए सिस्टम, एक सिस्टम में क्यू इतनी हीट आपने ऐड किए तो दो जगह यूज हुई, क्या कहा दो जगह, पहला इट्स इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय एन अमाउंट डेल्टा यू, पहली जगह यूज हुई इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, एंड दूसरी जगह कहा यूज हुई द रिमेनिंग हीट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन ऑन द सराउंडिंग, सिस्टम ने सराउंडिंग पे क्या की वर्क डन की, उसमें दूसरी चीज यूटिलाइज हुई। ओके व्हेन अमाउंट ऑफ वर्क सॉरी व्हेन अमाउंट ऑफ हीट कैपिटल क्यू इज एडेड टू ए सिस्टम इट्स इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय एन अमाउंट डेल्टा यू एंड द रिमेनिंग हीट इज लॉस्ट the form of work done W on the system. This is first law of thermodynamics and this is its mathematical statement. इस पर भी numericals आते हैं, इस पर भी MCQ आते हैं, अच्छे से याद करो, Q is delta U plus W. Supplied heat is used to increase internal energy and to do work on the surroundings. Okay. तो ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आज क्या क्या देखे, आज क्या क्या स्टडी किए, देखो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स,
डेफिनेशन थर्मल इक्विलिब्रियम, डेफिनेशन ये इन्वर्टेड कॉमास में रहती है, थर्मल इक्विलिब्रियम, उसके बाद आपको मैंने बताया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर से ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन देखे इंटरनल एनर्जी वो कैसा इंक्रीज होती, वो कैसा बढ़ती, वो भी दो पॉइंट मैंने आपको बताया। उसके बाद थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसको बोलते हैं, जैसा गैस enclosed inside a cylinder having frictionless piston, this is called thermodynamic system. उसके बाद सिस्टम के तीन टाइप आपको बताया मैंने, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है, हीट और मैटर दोनों एक्सचेंज होते, क्लोज सिस्टम में सिर्फ हीट एक्सचेंज होती है, मैटर एक्सचेंज नहीं होता, और आइसोलेट सिस्टम में दोनों भी एक्सचेंज नहीं होते, हीट भी नहीं होती, मैटर भी नहीं होती। उसके बाद आपने देखे डेफिनेशन ऑफ हीट, हीट क्या रहती है उसकी डेफिनेशन देखे, फिर सबसे इंपॉर्टेंट आज का था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्यू इज डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तीनों टर्म अच्छे से याद रखो, क्यू इज डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, क्यू इज हीट सप्लाई, डेल्टा यू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, एंड डब्ल्यू वर्क डन ऑन द सराउंडिंग्स, डब्ल्यू वर्क डन ऑन द सराउंडिंग्स, ये इतनी चीजें याद रखो। इसके बाद अगला लेक्चर कल या परसों जब भी रहेगा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या रहता, उसके कितने टाइप्स रहते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, फिर स्टेट वेरिएबल, ये सब पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है, समझ में आया। चलो कुछ क्यूरी होंगी, डिफिकल्टी होंगी तो पूछ लो। ओके जैद माइक बंद करो, नहीं तो कुछ पूछो। देखो लेसन नंबर 4 चल रहा है, थोड़ा छोटा ही जल्दी हो जाएगा, 8-10 दिन में पांचवा लेसन शुरू करेंगे। शाजिया मैडम ने भी वे ऑप्टिक्स खत्म कर दिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उनका भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ऐसा आपका सिलेबस अच्छा चल रहा है, आपने फर्स्ट यूनिट टेस्ट दिए, कुछ बच्चे एब्सेंट है, उनको मैं फोन करूंगा या मैसेज भेजूंगा मुझे फर्स्ट यूनिट टेस्ट के पेपर ला के देने की, और उसके बाद आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम रहेगा, फर्स्ट टर्म एग्जाम, छठवां एग्जाम, 6 महीने का एग्जाम, बराबर। उसमें आधा सिलेबस, जैसे आपने 16 लेसन है तो कम से कम 7 से 8 लेसन उसमें रहेंगे आपको। और अब सब टीचर्स ने कोरोना कोविड का वैक्सीन ले लिए, उसके बाद कोविड की थर्ड वेव भी कम दिख रही है, इसलिए शायद एजुकेशन मिनिस्टर, गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर रहते एजुकेशन की, वो डिसाइड करते कॉलेज शुरू करने का नहीं करने का, वो उन्होंने सब टीचर्स को जल्दी से वैक्सीन लेने लगा दिए, वैक्सीन ले लिए, अब शायद उनका इरादा है जल्दी से कॉलेज शुरू करने का। अगर कॉलेज शुरू हुआ तो ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन लेक्चर्स होंगे, और आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम कैसा होगा, कॉलेज में एक बेंच पे एक बैठ के, जैसे 9वीं 10वीं तक आप देते थे वैसा, तो वो हिसाब से सेल्फ स्टडी बढ़ाना पड़ेंगे आपको। ऑनलाइन में सब चल गया, ऑफलाइन में कॉपी का कोई चांस नहीं रहता, कोई देखने नहीं मिलेगा, सुपरवाइजर आपके सामने रहेंगे, आपको हर चीज डेफिनेशन, फिर आपको एक्सप्रेशन, डायग्राम, न्यूमेरिकल सब दिल से पेपर में लिखना पड़ेंगे, ठीक है, और बोर्ड का एग्जाम तो वैसा भी ऑफलाइन ही होने वाला है, ठीक है, तो वो हिसाब से स्टडीज कंटिन्यू करो, नोटबुक्स कंप्लीट करो, थर्ड ट्यूटोरियल लिखो, वो जब भी मैं बना मंगाऊंगा, या तो आपका जब कॉलेज शुरू होगा जब निको लाके दिखाओ, क्योंकि आपके इंटरनल मार्क्स भी रहते, 70 का पेपर आता, 30 इंटरनल मार्क्स रहते, समझ में आया। चलो कुछ क्यूरी होंगी तो पूछो। अदीना, अलीजा, हमारे प्रैक्टिकल्स कब होने वाले हैं? कॉलेज शुरू होने के बाद प्रैक्टिकल्स रहेंगे, प्रैक्टिकल के लिए आपको जर्नल्स रहते 11वीं में जैसा वैसा जर्नल रहेंगे, जर्नल कंप्लीट करने का भी बहुत काम है, 6-7-8-6 महीने जो बचे उसमें बहुत राइटिंग वर्क भी है, स्टडी भी है, अभी बिल्कुल एक्टिव हो जाओ, बीमार मत पड़ो, मच्छर से हिफाजत करो, और सुबह उठ के बोर्नविटा पीते जाओ, जरा एनर्जी आएगी, ठीक है। चलो आज का लेसन लेक्चर खत्म हो गया, अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज़।